आज हम सीखेंगे फ्लैग्स कैसे बनाएं एकदम जीरो लेवल से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग हमारे परफेक्ट फ्रेश यूट्यूब चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे मैटर टाइप करके रख लिया हूँ और गूगल से एक बैकग्राउंड को डाउनलोड किया हूँ और यहाँ पे इमेजेस को दोस्तों मैं डाउनलोड किया हूँ और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका सीडिया लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सीख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जीरो से फ्लैग्स कैसे बनाएं स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे मेथड टाइप कर लेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल पे जब टिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू पेज दिया है, जब टिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज बन के हमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है यहाँ से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंच में दिया है, हम यहाँ से कर लेंगे फिट में और यहाँ पे दे देंगे 16 और नीचे कर देंगे 4 और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 16x4 का एरिया बॉक्स बन के मिल जाएगा। ये जो हमारा फ्लेक्स रहेगा और यहाँ पे देखिए 16x4 का हमें यहाँ पे एरिया बॉक्स मिल चुका है। हम इसी के अंदर फ्लेक्स बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल टूल दिया है, रेक्टेंगल टूल पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ होके आ जाएगा। या फिर दोस्तों इसको हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 16 और नीचे लिख देते हैं 4 और इंटर प्रेस करते हैं तो 16x4 का हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बन के मिल जाएगा। और जब हम इसको ऐसे सेटअप करेंगे तो ये सेटअप नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम कीबोर्ड से की बटन को प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आके ऑटोमेटिकली परफेक्टली सेटअप हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हम मैटर यहाँ पे टाइप करके रखे थे, यहाँ पे इसको हम बाहर से यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ऐसे बाहर से यहाँ से ड्रैग करेंगे और कंट्रोल सी कर लेंगे या फिर यहाँ से कॉपी आप कर लेंगे। और फिर यहाँ से देखिए दोस्तों, कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए मिनिमाइज भी है दोस्तों, यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे या फिर आप यहाँ से मिक्स माइज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे देखिए मिक्स माइज करेंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे जब, तो यहाँ पे जो हमारा मैटर दूसरे पेज पे था वो जिस पेज पे हम बनाने जा रहे हैं वो पेज भी हमारा मैटर आ चुका है। अब इसको दोस्तों हम सेटअप करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों कंट्रोल यस कर लेते हैं। कंट्रोल यस करेंगे तो ये पूछेगा कि सेव कहाँ करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप पे हम अपना ये फोल्डर जो है सेव करना चाहते हैं, यहाँ डेस्कटॉप चूज करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे न्यू फोल्डर पे करेंगे और यहाँ पे न्यू फोल्डर के नाम से आ जाएगा और यहाँ पे हम 16x4 ये जो हमारा फ्लेक्स रहेगा कलेक्शन के नाम से है तो मैं यहाँ पे 16x4 ही कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ और ओके करता हूँ। और यहाँ पे भी पूछ रहा है नाम, तो यहाँ पे मैं 16x4 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव हो चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जूम पॉइंटर लेंगे, जूम करेंगे और इसमें हम 1-2 इंच का बॉर्डर देंगे ताकि हमारा जो फ्लेक्स है कुछ अच्छा लगे। तो यहाँ पे जाएंगे देखिए इंटरएक्टिव टूल पे और फिर दूसरे नंबर पे आएंगे इंटरएक्टिव कंट्रास्ट टूल, फिर इसे ड्रैग करके अंदर की तरफ आएंगे कुछ इतना सा, फिर यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, जूम जब करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल हमें ड्रॉ होके इसके अंदर मिल चुका है। तो हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कौन 2 इंच के जगह पे फिक्स है उसी को हमें छोड़ना है और जो ज्यादा एक्स्ट्रा है सबको हमें यहाँ से डिलीट करना है, इसमें से सेलेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेक्टेंगल बन के आ चुके हैं, इसमें हमें सिलेक्शन करना है कि कौन 2 इंच पे एकदम परफेक्टली सेटअप है उसी को हमें रहने देना है और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है सबको हमें यहाँ से रेक्टेंगल को ड्रॉ डिलीट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टूल पे जाएंगे, रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इतना सा फिट टूल लेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों जब हम फिट में किए थे यहाँ पे इसको कर लेंगे इंच में, फिर इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर लेंगे 2 और यहाँ पे कर देंगे 2 और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2 इंच का हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स बन के मिल जाएगा। यहाँ पे इंच में है दोस्तों और यहाँ पे 2 इंच का हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बनके मिल चुका है। तो थोड़ा सा इसे और अंदर की तरफ बढ़ाएंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे इंटरएक्टिव टूल पे लेंगे, फिर इसे हम लेंगे और इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जूम पॉइंटर फिर लेंगे, जूम करेंगे, फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ब्रेक पार्ट दिया है दोस्तों, हम यहाँ से ब्रेक पार्ट करेंगे, फिर इस पे राइट क्लिक करेंगे ऑल अनग्रुप दिया है दोस्तों, ऑल अनग्रुप करेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों ये अंदर का जितना एक्स्ट्रा रेक्टेंगल है सबको हम यहाँ से एक एक को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों हमने डिलीट कर लिया। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें हम कर देंगे येलो कलर फिल, और इसमें कर देंगे ये जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड कर देंगे पावर क्लिप। इसको सेलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे पावर क्लिप इंसर्ट कर देंगे और इसे हम इसमें पावर क्लिप कर देंगे। फिर इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, फिर इसे हम इसके हिसाब से यहाँ पे हम इसको फिक्स यानी सेटअप कर देंगे। फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसका आउटर लाइन नन कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा जो बैकग्राउंड है सेलेक्ट हो चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो पिक्चर्स है इसको हम यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट करेंगे, पावर क्लिप यहाँ से कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे और इसे बड़ा कर देंगे, यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा मैटर है मैटर को इसमें सेटअप कर लेंगे। फिर पहले इसको हम यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और ये कलेक्शन जो है दोस्तों इसे हम यहाँ पे ला के रखते हैं। इतना यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, पहले इसको सेटअप करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें कलर करेक्शन करेंगे, फिर इसे हम यहाँ पे लाएंगे, इसको स्टेक्स को यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा एड्रेस है एड्रेस को हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लाते हैं। फिर ये जो कॉन्टेक्ट नंबर और प्रोपराइटर नाम है दोस्तों इसे हम यहाँ पे लाकर रख देंगे। इसे थोड़ा सा ये जो पिक्चर्स है इसे हम यहाँ पे लाएंगे, इसे ड्रैग करेंगे यहाँ पे, और ये जो पिक्चर्स है इसे हम एडिट करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये सेटअप हो चुका है दोस्तों। और ये जो पिक्चर्स है दोस्तों इसे हम ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं, और यहाँ पे दो टेक्स्ट है इसे हम सबसे सस्ता सबसे अच्छा इसे भी इसमें सेटअप करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी इसमें सेटअप कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लाते हैं और इस पिक्चर्स को हम यहाँ पे लाते हैं और इसे हम यहाँ पे लगे रख देते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा और एडिट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, और यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल टूल को लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल बटन को होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ड्रैग होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे भी जो मिड पॉइंट दिख रहा है इसको हम टिक करेंगे और कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे और यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ड्रैग करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इसे हम यहाँ से बड़ा करेंगे और यहाँ पे सेप टूल दिया है दोस्तों, सेप टूल लेंगे। फिर इसके बाद इसको हम यहाँ से इस सेप कॉर्नर को राउंडेड कर देंगे। देखिए दोस्तों आप जब कॉर्नर को राउंडेड करेंगे तो कुछ ऐसे भी राउंडेड आपसे हो जाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये दोस्तों जब हम कि ये सेप टूल लेके जब क्लिक किए हैं तो यहाँ पे चारों कॉर्नर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। तो इसकी सिलेक्शन को हटाने के लिए दोस्तों इस पर एक बार और जब हम टिक करेंगे तो ये चारों कॉर्नर का सिलेक्शन हट जाएगा। फिर इसे हम यहाँ पे सेव करके कुछ इस प्रकार से कर देंगे। फिर इसे दोस्तों हम यहाँ पे लाते हैं और इसे हम यहाँ पे लाते हैं और इसमें कर देते हैं वाइट कलर फिल, और इसका आउटर लाइन दोस्तों यहाँ से नन करते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर कर दें और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये इमेज है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं एक कलर ग्रेडियंट बना के रखा हूँ और आप लोग भी कलर ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कलर ग्रेडियंट बना के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव फिल टूल पे जाएंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे जाएंगे रेड कलर पे, रेड कलर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए डार्क रेड कलर इसमें ऐड कर देंगे, इसमें भी डार्क रेड कलर ऐड कर देंगे, यहाँ पे डार्क रेड कलर ऐड कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और बॉक्स बन के आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जब हम रेड कलर होल्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वाले कलर को इसमें हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बन के आ जाएगा। फिर दोस्तों इसका आउटर लाइन हम F12 प्रेस करके यहाँ से बढ़ा देते हैं और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 1 के आसपास और ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है कलेक्शन का वो यहाँ पे कलरफुल ओके आ जाएगा। फिर दोस्तों इसमें थोड़ा सा और लुक बढ़ाने के लिए हम इसको प्लस बटन से कॉपी करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 2 और ओके कर देंगे। और इसका आउटर लाइन दोस्तों हम यहाँ से कर देंगे ऑरेंज कलर को ऊपर करेंगे और ये नीचे वाला व्हाइट जो है इसे हम शिफ्ट बटन के साथ पेज अप करेंगे और इसको सेलेक्ट करके दोनों को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे ग्रेडियंट ही हमारा फिलअप हो चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसे हम कोई और कलर दे देंगे, यहाँ पे इसको हम दे देंगे
रेड कलर और इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे और कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और इसका आउटर लाइन जो है दोस्तों हम यहाँ से बढ़ा देंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं और इसका आउटर लाइन और बढ़ा देते हैं दोस्तों 800 के आसपास कर देते हैं और यहाँ पे इसका आउटर लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से ड्रॉ करने के बाद दोस्तों इसमें हम कर देंगे ऑरेंज कलर फिल कर देते हैं। ऑरेंज कलर फिल करने के बाद दोस्तों इसका आउटर लाइन दोस्तों नन करते हैं। फिर ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट बटन के साथ पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करके सी ई प्रेस करेंगे तो इस सेंटर में आके आ जाएंगे। फिर इसका कलर दोस्तों हम यहाँ से व्हाइट कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए इलिप्स टूल को लेंगे। इलिप्स टूल को लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे कुछ इतना सा ड्रॉ करेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे दोस्तों और ये जो कलर है दोस्तों इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा एक कलर ग्रेडियंट वाला आके मतलब जो होने लगेगा। फिर इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे एक कलर जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो ये दोस्तों कंट्रोल है और इसको टिक करेंगे और इसका आउटर लाइन यहाँ से न कर। फिर ये जो हमारा आपका नाम है इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन से पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। फिर इसका कलर दोस्तों हम कर देंगे व्हाइट, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसका भी कलर हम कुछ कर देते हैं प्रोप्राइटर जो है, इसका कलर हम कर देंगे ब्लू और F12 से इसका आउटर लाइन जो हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे आउटर लाइन बढ़ा चुके हैं दोस्तों और यहाँ पे हमारा ये फ्लैग कुछ इस प्रकार से रेडी होके आ चुका है। फिर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट रहा है, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर लाते हैं और इसको सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे और इसे भी सेटअप करेंगे दोस्तों। ये जो इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे और इसको हम और यहाँ पे ये सेटअप हो चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इतना सा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं दोस्तों और इसे हम यहाँ पे लाते हैं और एक और कॉपी करेंगे प्लस बटन के साथ। देखिए दोस्तों प्लस बटन को कंट्रोल जेड करते हैं, प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो एक कॉपी हो जाएगा और ड्रैग करके हम इसे यहाँ पे ला के छोड़ देंगे और इसमें कर देंगे डीप नेप ब्लू कलर फिल और इसमें कर देंगे डार्क ग्रीन कलर। यहाँ पे डार्क ग्रीन इसका आउटर लाइन दोस्तों हम दोनों का यहाँ से नन कर देते हैं और इसे हम इसमें कर देते हैं फिक्स और इसे हम यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे इसे हम और यहाँ पे रख देंगे और इसका कलर दोस्तों हम यहाँ पे कर देंगे व्हाइट और इसको हम यहाँ पे लाते हैं और इसका भी कलर हम व्हाइट कर देते हैं। तो ये दोस्तों दोनों हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। फिर कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा फ्लेक्स बनके रेडी हो चुका है दोस्तों और येलो की जगह पे आप ऑरेंज कलर भी दे सकते हैं। ऑरेंज कलर कुछ इस प्रकार से लगे, कुछ अच्छा लगेगा कलर। फिर इसके बाद दोस्तों जूम पॉइंटर लेके जूम करते हैं और यहाँ पे दोस्तों इसका कलर जो आउटर लाइन है दोस्तों ये भास्कर का, फिर इसका हम आउटर लाइन कर देंगे। ये जो भास्कर लिखा है दोस्तों इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक से, इसका आउटर लाइन जो है दोस्तों हम यहाँ से ब्लैक कर देंगे और प्रेस करके इसका आउटर लाइन यहाँ पे बढ़ा देंगे। 1 के आसपास यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे इसका आउटर लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। 1 की जगह में हम 1 यहाँ पे नहीं हुआ है, हम 1 करेंगे और ओके करेंगे और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। फिर इसको प्लस बटन से कॉपी करेंगे और कॉपी करेंगे उसे ऊपर करेंगे थोड़ा सा कुछ इतना सा और नीचे वाला जो दोस्तों इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट बटन के साथ यहाँ से डाउन कर लेंगे यानी छोटा इसको कर लेंगे और इसे नीचे लाकर यहाँ पे रख देंगे और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेड कलर दे देंगे। यहाँ पे जब हम रेड कलर दे देंगे और इसको दोस्तों इस रेक्टेंगल को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे इंटरेक्टिव टूल पे और यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव ब्लेंडिंग टूल दिया है। इंटरेक्टिव ब्लेंडिंग टूल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक अटैच कर देंगे और इसका जो ब्लेंडिंग शेप है जो दोस्तों यहाँ से ब्लेंडिंग शेप को हम यहाँ पे कर देंगे 100 के आसपास और ओके कर देंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा ये जो फ्लेक्स है बन के कुछ इस प्रकार से रेडी हो चुका है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा और बेहतरीन सा लुक देने के लिए दोस्तों कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ से। कंट्रोल जेड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जूम पॉइंट लेंगे, जूम करेंगे फिर यहाँ पे यहाँ से एक रेक्टेंगल यहाँ तक मैं दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद दोस्तों इसमें हम कर देंगे डार्क रेड कलर, इस कलर को इसमें फिल किए फिर इसका आउटर लाइन दोस्तों यहाँ से नन कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव टूल पे जाते हैं और यहाँ से इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से इसको हम इरेज यानी ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं, इसके हिसाब से मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, फिर इसको हम यहाँ से
ड्रैग करेंगे, जीजो हमारा टिक्स है, टिक्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन के साथ पेज अप करेंगे, ऊपर आ जाएगा। इसका आउटर लाइन मन करेंगे और यहाँ पे एलो भी आप इसका आउटर जो कलर है प्रोप्राइटर नेम का और इसे हम आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और फिर यहाँ पे हम रेक्टेंगल कुछ यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और इसमें कर देंगे व्हाइट कलर पे और इसका आउटर लाइन दोस्तों यहाँ से नन कर देते हैं। यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल दिया है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग करके इसको यहाँ से नीचे तक इरेज कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम कुछ इतना सा इरेज कर दिए दोस्तों। फिर इसको प्लस बटन से कॉपी करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों मिरर बटन दिया है दोस्तों, यहाँ से मिरर बटन कर देंगे और इसे हम कुछ ड्रैग करके ऊपर की तरफ लाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे और नीचे वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी बटन को प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और कंट्रोल जी कर देंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। फिर ये जो हमारा पिक्चर्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ पेज अप करेंगे और इसे हम यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑफसेट कर देंगे, थोड़ा सा नीचे भी लाएंगे दोस्तों इसे कुछ यहाँ पे और यहाँ से फिनिश एडिटिंग ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पे इसका इफेक्ट हल्का सा इफेक्ट व्हाइट कलर का व्हाइटनेस इसमें हमें मिल चुका है दोस्तों। और इससे भी आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं ऑरेंज की जगह पे कोई और तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, डार्क ग्रीन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों, डार्क ग्रीन नहीं ऑरेंज सही लग रहा है, या फिर डार्क रेड कलर इसमें ऐड कर दीजिए यहाँ पे डार्क रेड कलर और यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज कर लेंगे, यहाँ पे इंटरेक्टिव टूल में यहाँ से ब्लेंडिंग टूल यहाँ पे ऐसा ओपन करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो हमारा कलेक्शन का फ्लेक्स है बन के रेडी हो चुका है। आप लोग इसको डाउनलोड करके सीख सकते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा फ्लेक्स कैसा लगा और इसका सीडीआर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए।